नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 2023 और 2024 के नए टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज ही फाइनेंस मिनिस्टर ने नया टैक्स स्लैब जारी किया है जो इस फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम है तो आपको अब 0 टैक्स देना होगा, जो कि सैलरीड पर्सन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप अभी देख रहे होंगे टैक्स स्लैब के अंदर, तो वहाँ पर ऐसा लेकिन नहीं मेंशन है, क्योंकि अगर आप 0 से लेकर के 3 लाख रुपए देखेंगे तो ही आपका 0 टैक्स है, और अगर 3 लाख से 6 लाख रुपए है तो वहाँ पर आपको 5% तक का टैक्स स्लैब दिया गया है, और 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के बीच में 10 लाख रुपए का टैक्स स्लैब है। साथ ही अगर आप 9 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए की सैलरी है तो वहाँ पे 15% तक का टैक्स स्लैब है, और 12 से 15 के बीच में 20% का टैक्स स्लैब है। अगर 15 लाख रुपए के ऊपर हैं तो वहाँ पर आपको 30% तक का टैक्स स्लैब है। लेकिन आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा होगा हेडलाइन में, जहाँ पर 7 लाख रुपये तक का आपको यदि सैलरी है तो 0 टैक्स बताया गया है। तो ये अभी इसमें देखते हैं कि ये कैसे होगा। अगर 0 से 3 लाख रुपए की सैलरी है जब तो आपका कोई टैक्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपकी 7 लाख रुपए की सैलरी है तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तो आप टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे नहीं, वो माइनस हो जाएगा, जो कि 0 बचेगा। इसके बाद में बचे हुए 4 लाख रुपए आपके हैं, तो 4 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब आता है वो 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख, अब आपके बचे हुए 4 लाख रुपए जो हैं वो 3 से 6 लाख रुपए के बीच में आएगा, जहाँ पे आपको 5% का टैक्स लें। 5% के टैक्स के हिसाब से इसमें आपको अंडर सेक्शन ATCA के अंदर रिबेट मिल जाएगी, जो कि पुराना इसके अंदर रिबेट अमाउंट था 12,500 रुपये 5% के हिसाब से। साथ ही अब बचे हुए 1 लाख रुपए जो होगा वहाँ पर आपको 10% का टैक्स लगेगा, तो ये 10% के हिसाब से आपका 10,000 रुपये का ये अमाउंट होगा। अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे 3 लाख रुपए पे तो आपको 15,000 रुपये का टैक्स स्लैब होगा, टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। तो 15 + 1 लाख रुपए का 10%, यहाँ पे आपके 25,000 रुपये का जो अमाउंट निकल रहा है, ये नए टैक्स स्लैब के अंडर सेक्शन 80C में जो चेंजेस होंगे उसके अंदर आपको टोटल रिबेट मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास अगर 7 लाख रुपए की सैलरी है तो आपको 0 टैक्स देना होगा, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो ही आपको टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, बाकी के और भी न्यू अपडेट के लिए आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।